इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच और चेन्नई के स्टेडियम में हम खेलने वाले हैं इस मैच को। फिलहाल यहाँ पर टॉस का समय हो चुका है और टेल्स हम चूज़ करेंगे और टेल्स चूज़ करने के बाद फैसला क्या आता है वो फिलहाल देखना होगा। और बिल्कुल यहाँ पर टॉस हम जीत चुके हैं, बॉलिंग का फैसला करेंगे और वो इस वजह से क्योंकि हम देखना चाहेंगे कि कितने रन बना पाती है पाकिस्तान की टीम दो ओवर में, फिर उसी हिसाब से हम चेज़ करेंगे। अब यहाँ पर पाकिस्तान की टीम की तरफ से दोनों ओपनर्स आ चुके हैं और अब ये दोनों ओपनर्स हैं फ़खर जमान लेफ्ट हैंड बैट्समैन जो कि स्ट्राइकर एंड पर रहेंगे और उनका साथ देने के लिए नॉन स्ट्राइकर एंड पर रहेंगे ए अली राइट हैंड बैट्समैन और अक्षर पटेल आ रहे हैं बॉलिंग की शुरुआत करने के लिए। 38 मैचेस इन्होंने अभी तक के खेले हैं, 8 विकेट ये ले चुके हैं और स्टैट्स तो इनके कमाल के ही हैं। फिलहाल यहाँ पर पहली बॉल हो चुकी है और डॉट रही है पहली बॉल, दूसरी बॉल ये थोड़ा सा दूर रखने की कोशिश और दूर रखने की कोशिश में काफ़ी ज़्यादा बाहर हो गई और वाइड रही ये बॉल और पाकिस्तान की टीम के लिए पहले रन्स वाइड के रूप में आते हुए और एक अतिरिक्त रन जाता हुआ हमारी तरफ से और विराट कोहली वहाँ पर मौजूद थे, अच्छी फील्डिंग और इसी के साथ वहाँ पर रन्स बचाए कुछ अपनी टीम के लिए। यहाँ पर फुल टॉस ये बॉल और यहाँ पर शायद विकेट मिल सकता है, वहाँ पर फील्डर मौजूद है और बिल्कुल ये कैच आसानी के साथ और शार्दुल ठाकुर ने ये कैच किया। और एक बार ज़रा एक्शन रिप्ले इसका देख लिया जाए और ये पहले हम फुल टॉस बॉल डाल रहे थे हम पर, हमने वो विकेटों पर डालने की कोशिश की थी और वो गलती से थोड़ा सा पीछे की तरफ डल गई और इसी वजह से हमने कहा कि अरे, फिर जब हमारा ध्यान गया कि ये तो शॉट ही काफ़ी ख़राब खेला है फ़खर जमान ने और पीछे की तरफ शॉट खेला था और वहाँ पर शार्दुल ठाकुर मौजूद थे और आसानी के साथ उन्होंने कैच पकड़ा। अभी बाबर आजम आए हैं और स्ट्राइकर एंड पर वो मौजूद हैं तो देखते हैं वो कैसा खेलने वाले हैं। इस बॉल को थोड़ा सा फुल टॉस लेंथ रखने की कोशिश और सामने की तरफ खेला और वन बाउंस टू बाउंस और बाउंड्री के बाहर और इसी के साथ यहाँ पर पहले रन्स आते हुए पाकिस्तान की टीम के लिए जो उन्होंने खुद बनाए हैं। मतलब अभी तक तो एक रन आया था जो वाइड के रूप में आया था, पर ठीक है। फिलहाल यहाँ पर 4 बॉल हो चुकी है और ये ओवर काफ़ी ज़्यादा अच्छा जा रहा है, 1 विकेट हम ले चुके हैं और 5वीं ये बॉल और ये भी डॉट रही और आखिरी ये बॉल है और हम बिल्कुल कोशिश करेंगे कि इस आखिरी बॉल पर कुछ बहुत ज़्यादा रन्स ना आए। और सामने की तरफ ये शॉट खेला और अच्छी वहाँ पर फील्डिंग अक्षर पटेल द्वारा और अपनी ही बॉल पर रन रोकने में कुछ ज़्यादा मज़ा है। फिलहाल यहाँ पर इस ओवर की समाप्ति हो चुकी है और इस आखिरी ओवर को डालने के लिए, इस इनिंग्स की आखिरी ओवर को डालने के लिए जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार तो हमारे स्क्वाड में ही मौजूद नहीं है और वो इस वजह से क्योंकि वो स्टेमिना वाला कुछ प्रॉब्लम था जो कि WCC3 का गेम जिन लोगों ने खेला है तो उनको पता होगा कि इसमें 100% वो स्टेमिना चाहिए रहता है, तो उसी के हिसाब से वो मौजूद नहीं है आज के हमारे स्क्वाड में, वरना तो वो हमारे काफ़ी ज़्यादा फेवरेट हैं। पर फिलहाल यहाँ पर शायद कैच हो सकता है और बिल्कुल नहीं, काफ़ी आगे गिरी ये बॉल और यहाँ पर आसानी के साथ एक डबल मिलता हुआ पाकिस्तान की टीम के लिए और आबिद अली को यानी ए अली को भी 2 रन मिलते हुए। फिलहाल यहाँ पर सीन कुछ ऐसा हो चुका है कि 2 बॉल हो चुकी हैं इस ओवर की और यहाँ पर शायद नहीं, चौका का कोई भी चांस नहीं है, डबल एक आसानी के साथ मिल जाएगा और बिल्कुल इस डायरेक्ट थ्रो के साथ 1 रन और लेते हुए ए अली और इस 1 रन के साथ वो 5 रन पर पहुंच चुके हैं और बाबर आजम आ चुके हैं वापस से स्ट्राइकर एंड पर। 3 बॉल अभी भी बची हुई हैं इस ओवर की और इसको ऑन साइड की तरफ खेला और कमाल का खेला है, थोड़ा सा कलाइयों का इस्तेमाल और कमाल की ये टाइमिंग और इस टाइमिंग के साथ एक चौका मिला है और 14 रन अभी तक के बना चुकी है पाकिस्तान की टीम। और अब इसका क्या एक्शन रिप्ले देखा जाए तो छोटा सा एक नॉर्मल सा चौका था, अगर छक्का रहता या कोई विकेट रहता तो फिर समझ में भी आता। फिलहाल यहाँ पर ये आखिरी बॉल, इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ स्विंग कराने की कोशिश की है हमने और काफ़ी अच्छी फील्डिंग और हम ही वहाँ पर मौजूद थे और हमें लगा कि ये शायद आखिरी बॉल है, पर ये आखिरी नहीं, ये वाली जो बॉल है ये आखिरी है। फुल टॉस लेंथ की ये बॉल और सामने की तरफ खेला है, अच्छी फील्डिंग वहाँ पर और इस अच्छी फील्डिंग के चलते ये आखिरी बॉल भी डॉट रही। यहाँ पर फिलहाल मद्रास क्रिकेट ग्राउंड वहाँ पर लिखा हुआ था और चेन्नई का ये स्टेडियम है,
जैसा कि आपको पता होगा कि चेन्नई का नाम पहले मद्रास था, फिलहाल यहाँ पर अब स्ट्राइकर एंड पर हम रखेंगे विराट कोहली को और नॉन स्ट्राइकर एंड पर हम रखेंगे रोहित शर्मा को, और ये दोनों आ चुके हैं हमारी टीम की तरफ से शुरुआत करने के लिए। और ये दोनों मतलब विराट कोहली और रोहित शर्मा ये दोनों ही बैट्समैन कमाल के हैं, पर एज एन ओपनर जब ये दोनों साथ में आए तो फिर क्या कमाल होने वाला है वो फिलहाल हम देखते हैं। यहाँ पर लॉफ्टेड शॉट और मिड विकेट के रीजन में खेलना चाहेंगी और ओहो यहाँ पर प्लेसमेंट उतनी अच्छी नहीं रह पाई और विकेट जा चुका है विराट कोहली का। और बहुत बड़ा ये विकेट है वो इस वजह से क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि 12 ही बॉल मिलती है, उसमें से एक बॉल डॉट हो चुकी है और अभी 11 बॉल है हमारे पास 15 रन बनाने के लिए, और ये 15 रन बनाना ये काम बिल्कुल भी आसान रहने नहीं वाला। अभी तो शुभमन गिल ही आए हैं जो कि पहले आने वाले थे और लिस्ट के हिसाब से तो वही टॉप पे थे, पर हमने विराट कोहली को ले आया और यहाँ पर फिलहाल पहली बॉल पर एक छक्का लगा दिया है शुभमन गिल ने, और कमाल का ही छक्का है। इसका ज़रा एक्शन रीप्ले देखा जाए और मिड विकेट के रीजन में इतना कमाल का छक्का, और इस छक्के के साथ यहाँ पर पहले रन आ चुके हैं हमारी टीम के लिए। अभी यहाँ से 9 रन चाहिए, धीरे धीरे खेलने की कोशिश करेंगे। इस बार पीछे की तरफ एक लॉफ्टेड शॉट लग सकता है और टाइमिंग यहाँ भी परफेक्ट है और मिला है एक चौका, और अगर थोड़ी सी और बॉल कैरी की होती तो ये छक्का ही हो जाता, पर ठीक है फिलहाल यहाँ पर एक चौका मिल चुका है। और एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे कि इस चौके के साथ शुभमन गिल के WCC3 के क्विक प्ले मैचेस में 500 रन कंप्लीट हो चुके हैं, और इसी के साथ ये कमाल का मैच चलता हुआ और यहाँ पर पाकिस्तान की टीम के प्लेयर्स काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखते हुए। और यहाँ पर लॉफ्ट मीटर 99.6% का है, सामने की तरफ एक शॉट और खेल करके देखा जाए और यहाँ भी टाइमिंग परफेक्ट, और यहाँ पर मिला एक छक्का और छक्का फिर चौका फिर छक्का, और शुभमन गिल ने तो आज कमाल का ये मैच खेला है और समाप्ति कर दी इस मैच की खुद ही, और 3 बॉल में 16 रन और सामने की तरफ ये स्ट्रेट छक्का, और वैसे स्ट्रेट छक्का तो सामने की तरफ ही होता है पर ठीक है फिलहाल यहाँ पर मैच कमाल का रहा और इंडियन टीम 9 विकेट के साथ इस मैच को जीत चुकी है। और मैन ऑफ द मैच तो कोई ज़रूरत नहीं है सोचने की, क्योंकि जिस तरीके की बैटिंग की है शुभमन गिल ने वो ही रहेंगे मैन ऑफ द मैच के खिताब के हकदार।